सर मैंने सबकी पेमेंट भी कर दी है और सबको जाने को भी बोल दिया है, और फिर आपने तो सर इनको कॉफी पीने के पैसे भी दिए हैं और पर डे अलग से दिया है। सारे बहुत खुश थे सर। प्रकाश तू जा, जा। ठीक है सर। भैया भैया वो भैया भैया मेरी बात तो सुनो। मैं तुम्हारा ही वेट कर रही थी। सॉ द नंबर्स। अब तो मानते हो कि नहीं कि इस कॉन्टेस्ट के विनर मैं हूं, यानी कि जीत हेट की हुई है। बिल्कुल नहीं, क्योंकि ये सेल तुम्हारी कॉफी के दम पे नहीं हुई है। रियली? तो फिर किसके दम पे हुई है? भैया, आई एम वार्निंग यू, डोंट इवन से अ वर्ड। बेटा वर्ड नहीं, पूरी स्टोरी बताऊंगा। मेरे धोखेबाज भाई, तूने अपने भाई का साथ नहीं दिया ना, अब देख। वन सेक, What's going on? मुझे भी कोई बताएगा? मैं बताता हूं आपको। तुम्हारा ये जो इडियट दोस्त है ना, इसने तुम्हें जिताने के लिए स्टूडेंट्स हायर किए थे पे करके, ताकि वो यहां आके हेट स्पेशल कॉफी पिए। तो ये जो 65 हेट स्पेशल कॉफी बिकी है ना, उसमें से 55 प्रैक्टिकली समीर ने ही खरीदी है। एंड दैट वोंट काउंट। उस हिसाब से सही तरीके से हेट्स की सिर्फ 10 कॉफी सही तरीके से बिकी है और मेरी 30। मतलब ये कि लव जीत गया और हेट्स हार गई। गाइस, कैन आई हैव अप्लॉज ऑन माई विक्ट्री? थैंक यू। तू अपने भैया की विक्ट्री पर उन्हें मुबारकबाद नहीं देगा? भैया मैं आपको बाद में देख लूंगा। एनी टाइम माय ब्रदर, एनी टाइम। चलो गाइस, लेट्स गेट बैक टू वर्क, द डे इज नॉट ओवर येट। Hates. I'm sorry, Hates. Blunder हो गया. Please forgive me. मैं सिर्फ तेरी विक्ट्री चाहता था। विक्ट्री? वो भी चीटिंग करके?
मैं तेरे लिए कुछ भी कर सकता हूँ हिट्स, इसलिए ज्यादा सोचा नहीं, बट आई प्रॉमिस दोबारा नहीं करूंगा। प्लीज इस बार के लिए माफ कर दे। तू कहे तो मैं सिटअप्स करने के लिए भी रेडी हूं। Stop it, idiot! Come here. तू मेरे लिए कुछ भी कर सकता है ना? हाँ, कुछ भी। But why? क्योंकि मेरे लिए तेरी स्माइल सबसे ज्यादा प्रेशियस है। You know what, Sam? मेरे पापा भी यही कहा करते थे, लेकिन फिर भी वो मुझे अकेले छोड़ गए। एक बात याद रख, किड्स, तेरे पापा माँ ऊपर से हर वक्त तुझे देख रहे हैं, एंड आई एम श्योर उनके लिए भी तेरी स्माइल प्रीशियस होगी, सो स्माइल फॉर हिम। अब वो जो तेरा खड़ूस भाई है ना, वो मुझे रोज डोमिनेट करेगा। जीत जो गया है भैया, अभी पूरी तरह से नहीं जीते हैं। कैफे कुछ घंटे और खुला है, क्या पता कोई मिरेकल हो जाए। Oh, come on, Sam. That's impossible, even you know. अरे इतना अंधेरा क्यों है? Hates, मिरेकल हो गया, तू कॉन्टेस्ट जीत गई। What? Really? हाँ, Hates की कॉफी की कोई वियर्डो फैन है जो कैफे के पीछे वाले पार्किंग स्पेस में खड़े अपने ड्राइवर को भेज के कॉफीज ऑर्डर किए जा रही है। कुछ घंटे पहले उसने 10 कॉफीज ऑर्डर की और अब 30 कॉफीज ऑर्डर की है। मैं तो जा रही हूँ कॉफी बनाने। बाय। कैन यू इमेजिन हिट्स, 30 कॉफीज, अब तो तू क्लियर विनर है। लेट्स सेलिब्रेट। व्हाट, आरंट यू हैप्पी? सैम, मैं भी आती हूँ। Guys, stop making fun of me. अब मैं कॉन्टेस्ट हारा हूँ, पर मैं फिर भी तुम्हारा बॉस ही हूँ, so don't forget that. Sorry. कॉफी रेडी करो। और भैया, तुम्हारी ये मैडम इतनी सारी कॉफीज का क्या करेंगी? गरीब बच्चों में बांट देगी। क्या? हाँ, वो जो इसके पहले मैं 10 कॉफी लेके गया था ना, वो भी मैडम ने यहाँ पीछे की गली में जो गरीब बच्चे हैं उनमें बांट दिए। और जरूर ये भी 30 कॉफी जो है वो भी गरीब बच्चों में ही बांट देंगी। देख लिया, ये भी तुम्हारी हेट्स की ना कोई चीटिंग स्ट्रेटजी होगी। अब मैं इसके साथ जाऊंगा और इसकी मैडम को मिलूंगा और तुम्हारी इस हेट्स की चीटिंग को ना रंगे हाथों पकड़ूंगा। नो इफ नो बट, कॉफी रेडी करो। करो।
मैं या हितल? देख, मैं तेरे कैफेटेरिया तो नहीं आई ना, लेकिन यहाँ पे भी क्यों आई हैं आप? नहीं, क्या चाहती आप? क्या आप ये चाहती है कि तंग आकर मैं कहीं भाग जाऊं, अपनी कॉलेज, अपने दोस्त, अपने ये कैफे सबको छोड़ के फिर से दुनिया में अकेली हो जाऊं? बोली, यही चाहती आप? मैं ऐसा बिल्कुल नहीं चाहती हितल, मैं ऐसा क्यों चाहूंगी? तो फिर मेरा पीछा क्यों नहीं छोड़ देती आप? हितल, तू अपनी दी को फॉरगिव नहीं कर सकती, प्लीज हितल। कर सकती, चलिए आपको फॉरगिव कर देती हूँ, लेकिन एक शर्त पर। आपकी वजह से जो मेरा नुकसान हुआ है, पहले उस नुकसान को भरिए आप। कम ऑन, जवाब दीजिए। भरेंगी आप नुकसान मेरा? मेरे पापा को वापस लाएंगी आप? बोलिए, ला सकती आप मेरे पापा को वापस? जैसे आप मेरे पापा को वापस नहीं ला सकती ना, वैसे मैं भी आपको कभी माफ नहीं कर सकती। वो मेरे भी पापा थे, मैंने भी उन्हें खोया है। मत कहिए उन्हें पापा। अगर आपको उनकी परवाह होती ना, तो आप कभी उनकी मरने की वजह नहीं बनती। मत बोल हितल, प्लीज ऐसा मत बोल। मैं बोलूं या ना बोलूं, लेकिन सच तो यही है, आपको पापा की या मेरी किसी की परवाह नहीं थी। आपके लिए तो सिर्फ वो लड़का ही इंपॉर्टेंट था, जिसकी वजह से आपने हम सबको बर्बाद करके रख दिया। तो आप मेरे पास के लिए नहीं आए? आप जाके उस लड़के को ढूंढिए और उसी से प्यार की उम्मीद भी रखिए। एक मिनट रुकिएगा, मैं भी आपके साथ चलता हूं, आइए। जस्ट वन सेक। देखो, मैं हितल की चीटिंग का एविडेंस लेने जा रहा हूं। मेरे आने तक तुम में से किसी ने भी हितल को कुछ भी बताया ना, तो याद रखना मैं तुम लोगों की अगली लीव कैंसिल कर दूंगा। नहीं सर, लीव कैंसिल मत करना, एक दिन तो मिलता है अपने बॉयफ्रेंड के साथ टाइम स्पेंड करने। मैं नहीं बोलूंगी। फाइन, तो मुंह बंद रखना, और तुम दोनों गुड। चलिए, क्या आप ये चाहती है कि ऐसे तंग आकर मैं कहीं भाग जाऊं, अपनी कॉलेज, अपने दोस्त, अपने सबको छोड़ के फिर से दुनिया में अकेली हो जाओ? जैसे आप मेरे पापा को वापस नहीं ला सकती ना, वैसे मैं भी आपको कभी माफ नहीं कर सकती। मत कहिए उन्हें पापा। अगर आपको उनकी परवाह होती ना, तो आप उनकी मरने की वजह नहीं बनती। इंपॉर्टेंट था, जिसकी वजह से आपने हम सबको बर्बाद करके छोड़ दिया।
मैं मैडम से बोलता हूँ कि आप उनसे बात करना चाहते हैं। मैडम ये रही आपकी 30 कॉफी। मैडम वो बाहर जो सर है ना, वो आपसे बात करना चाहते हैं। कौन है वो? वो मैम वो कॉफी शॉप से मेरे साथ में है। आप प्लीज पूछ के बताइए कि उन्हें क्या बात करनी है। ओके मैम। सर वो मैडम ने पूछा है कि आपको उनसे क्या बात करनी है। उनसे कॉफी के बारे में पूछना है। ओके सर। मैडम वो पूछ रहे हैं कि उन्हें कॉफी के बारे में कुछ आपसे बात करनी है। उन्हें जाके कह दीजिए कि फीडबैक कार्ड बनने का मेरे पास टाइम नहीं है, नेक्स्ट टाइम। ओके मैम। ओके मैम बोल रही है सॉरी, नेक्स्ट। अरे एक मिनट, देखिए थोड़ा अर्जेंट है। अच्छा अपनी मैडम से बस इतना पूछ लो कि ये कॉफीज उन्हें हेतल ने खरीदने के लिए बोला था, बस इतना। क्या सर, मैडम को देर हो रही है, गुस्सा हो जाएंगी। प्लीज पूछना प्लीज। ओके सॉरी मैम, एक लास्ट क्वेश्चन। वो सर पूछ रहे हैं कि क्या आपको हेतल ने कॉफी खरीदने के लिए कहा था? ऐसा कुछ भी नहीं है। आप प्लीज गाड़ी में बैठिए और चलिए यहाँ से, कॉफी ठंडी हो जाएगी, हमें बांटनी भी है। ओके ओके मैम, नहीं कहा था हेतल ने। लेकिन माफ करो साहब, ऑलरेडी मैडम गुस्सा हो रही है, लेट हो गई है, अभी मैं और बात नहीं कर सकता आपसे, बस। निरंजन और रीता की लड़ाई में बच्चों को तो सजा नहीं मिलनी चाहिए ना? बच्चों को उनके बाप से दूर रखना सही नहीं है। मैं रीता की मर्जी के खिलाफ नहीं जाऊंगी। रीता के साथ गलत हुआ इसका ये मतलब तो नहीं ना कि आप रीता की हर अच्छी और बुरी इज्जत पूरी करेंगी। पापा वापस आ गए। हाँ पापा ने अपना प्रॉमिस पूरा किया। पलक पलक बिजल बीजल, सच सच बताओ कि आप दोनों ने पापा को फोन किया था? बेटा मम्मा से डरने की कोई जरूरत नहीं, मम्मा आप दोनों को कुछ नहीं बोलेगी। बताओ बेटा आप लोगों ने फोन किया था? हमने पापा को फोन किया था इसीलिए कि आप भी हमें छोड़ के चले जाओगे। नहीं कभी नहीं बेटा, मम्मा आपको कभी छोड़ के नहीं जाएगी। तो पापा क्यों चले गए?
समीर सब्जी देना। माँ जी मुझे निरंजन से डिवोर्स चाहिए।